हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम टारगेट पर। मैं प्रद्युम्न पांडे आज से आप लोगों को इरिगेशन इंजीनियरिंग पढ़ाने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, हम लोगों का मेन टारगेट जो है वो है SSC JEE 2019 का जो पेपर होने वाला है अक्टूबर लास्ट में। हम लोगों का जो हम पढ़ाएंगे वो प्री को लेकर चलेंगे अभी फिलहाल में। तो हम शुरू करते हैं इरिगेशन इंजीनियरिंग। इरिगेशन इंजीनियरिंग में पहला जो हम टॉपिक लेकर चलेंगे सिस्टम ऑफ इरिगेशन। सबसे पहले बात करते हैं इरिगेशन इंजीनियरिंग है क्या। इरिगेशन नॉर्मली अगर सिंचाई की बात करें तो आपको पता है खेतों में पौधों को पानी डालना ही इरिगेशन कहलाता है। इंजीनियरिंग की क्यों आवश्यकता पड़ी इसके लिए? आपको पता है जब पौधों को आप पानी देते हैं तो वही सिंचाई नहीं हुई, उससे आपकी प्रोडक्टिविटी जो भी उत्पाद है खेतों से वो आपका मैक्सिमम यील्ड नहीं प्राप्त हो सकती। आपको पौधों को पानी चाहिए कम, आप ज़्यादा दे दे रहे हैं, कब चाहिए ये नहीं पता है आपको, और किस समय चाहिए कितनी मात्रा में चाहिए नहीं पता। इसीलिए इरिगेशन के साथ इंजीनियरिंग जोड़ना पड़ा, इसीलिए इरिगेशन डिपार्टमेंट भी बनाया गया। इंजीनियर्स की यहाँ पर जरूरत पड़ी कि पौधों को कितनी मात्रा में कब पानी चाहिए, ये चीज़ होता है इरिगेशन इंजीनियरिंग। निश्चित समय पर जब पौधों को पानी की आवश्यकता हो, कितनी मात्रा में आवश्यकता हो, इस चीज़ का पता लगाने के लिए जो है इरिगेशन डिपार्टमेंट या इरिगेशन इंजीनियरिंग है, इसीलिए हम आपको पढ़ा रहे हैं आज। तो बात करते हैं सिस्टम ऑफ इरिगेशन की। सबसे पहले बात करते हैं इरिगेशन की। पौधों को उचित मात्रा में उचित समय पर पानी देना ही इरिगेशन कहलाता है। इरिगेशन की आवश्यकता क्यों पड़ी? देखिए, भारत एक कृषि प्रधान देश है, आपको पता है यहाँ पर ज़्यादातर जो है पॉपुलेशन हमारी कृषि पे डिपेंड करती है। हमारी GDP का भी लगभग 30% तक हिस्सा जो है कृषि पर डिपेंड करता है। अब बात करते हैं कि आवश्यकता क्यों पड़ी सिंचाई की। तो अगर आप देखते हैं ज़्यादातर लोग जो कृषि है, ज़्यादातर सब जो है डिपेंड करते हैं वर्षा पर। खेतों को जो पानी होता है ये वर्षा पर डिपेंड करते हैं, बाढ़ पर डिपेंड करते हैं। बाढ़ हमेशा आएगी नहीं, जब तक वर्षा होगी नहीं, हमेशा वर्षा होती नहीं। भारत में मानसूनी वर्षा होती है, आपको पता है। तो इसीलिए जब इरिगेशन की आवश्यकता, आप डालिए necessity of irrigation, सिंचाई की आवश्यकता आपको क्यों पड़ी, ये चीज पहला इसमें पॉइंट हो जाएगा कि जब वर्षा कम हो, वर्षा हो लेकिन कम हो, आपके फसल को चाहिए 120 mm पानी और वर्षा हो रही है 60 mm, तो आपको कहाँ से पूरा होगा ये। तो वर्षा की मात्रा कम हो, पहला चीज। दूसरा, वो वर्षा हो ही ना। आप देखे होंगे भारत में वृष्टि छाया प्रदेश होते हैं, जो पूर्वोत्तर की क्या पश्चिमी घाट पर्वत है उसके जस्ट पश्चिम में आपको देखेंगे वर्षा ज़्यादा होती है। पश्चिम घाट पर्वत के पूर्व में देखेंगे पूरा वृष्टि छाया प्रदेश है, महाराष्ट्र का पुणे हो गया, इधर कर्नाटक का कुछ पार्ट हो गया, इधर आंध्र प्रदेश के कुछ पार्ट में वृष्टि छाया प्रदेश में आते हैं, इसमें बारिश होती नहीं है। तो बारिश ही हो ही ना, तो वहाँ पर आपको कैनाल इरीगेशन सिस्टम डिज़ाइन करना पड़ेगा। इसलिए इरीगेशन की आवश्यकता होती है हमारे इंजीनियरिंग में। और वर्षा कम मात्रा में हो, सिंचाई के उपयुक्त साधन प्रयुक्त हों, तो उसके लिए हमें जो है डिज़ाइन करने पड़ते हैं, इरिगेशन डिज़ाइन करना पड़ता है, पंप वगैरह हैं। तो ये चीज़ हो गया नेसेसिटी ऑफ इरिगेशन का। अब हम बात करते हैं एडवांटेज ऑफ इरिगेशन की। इरिगेशन हमने प्रोवाइड किया तो उससे हमको लाभ क्या मिला, एडवांटेज ऑफ इरिगेशन। एडवांटेज ऑफ इरिगेशन सिंचाई के लाभ, अगर आपने सिंचाई किया तो लाभ क्या हुआ? सबसे बड़ा लाभ, आपके जो क्रॉप है उसकी यील्ड बढ़ जाएगी, आपकी उत्पादकता बढ़ेगी। सबसे बड़ा लाभ है यील्ड ऑफ क्रॉप, नंबर एक यील्ड ऑफ क्रॉप जो है ये बढ़ जाएगी। दूसरा आपका जो लाभ होगा मिस्ड क्रॉपिंग, मिक्स्ड क्रॉपिंग जो होगी आपकी वो एलिमिनेट हो जाएगी। मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या होता है सबसे बड़ी बात, अगर यहाँ मिक्स्ड क्रॉपिंग का जिक्र किया गया तो ये होता क्या है देखेंगे आप। मिक्स्ड क्रॉपिंग, गांव में आप जाएंगे
तो सिंचाई के उपयुक्त साधन प्रयुक्त नहीं होते हैं, मानसूनी वर्षा होती है, ज्यादातर सब मानसून पे डिपेंड करते हैं। तो लोग सोचते हैं कि जब बरसात का समय आता है एक ही फील्ड पर एक ही समय पर दो या दो से अधिक फसलें बो देते हैं, इसी को मिक्स्ड क्रॉपिंग कहते हैं। गांव में आपको पता होगा कि इतना सिंचाई के साधन उपलब्ध नहीं होते हैं, तो लोग क्या करते हैं कि हर चीज उनको प्रोडक्ट करना होता है, गेहूं धान चावल हर चीज, तो क्या करते हैं एक ही समय पर एक ही फील्ड में दो या दो से अधिक जब क्रॉप हो जाती है तो उसी को मिक्स्ड क्रॉपिंग कहते हैं। जब उन लोगों के पास सिंचाई के साधन प्रयुक्त मात्रा में उपलब्ध होंगे तब आपको पता है कि वो लोग प्रोडक्टिविटी वो भी बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन क्या करें मजबूरी है, तो वो लोग भी अपना एक फील्ड पे एक समय एक ही फसल बोएंगे, जिससे क्या होगा उसका ग्रो जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ेगी, उससे जो है क्वांटिटी क्वालिटी सब ग्रोथ होगा फसलों की। तो इसलिए जो मिक्स्ड क्रॉपिंग को एलिमिनेट करना बहुत जरूरी है, इसलिए हमको सिंचाई के साधन उपयुक्त कराना बहुत जरूरी है। इसलिए ये है आपके एडवांटेज। थर्ड आपका एडवांटेज है नेविगेशन। आप ये इंक्रीज होता है, आपको पता है कि जो मेन कैनाल होती है उनका डिस्चार्ज बहुत ज्यादा होता है, लगभग समझ लीजिए छोटी मोटी नदियों के बराबर होता है। तो उसमें क्या कर उसके नहर के जो पानी का कभी कभी यूज जो है नेविगेशन के लिए भी किया जा सकता है, नाव वगैरह से जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए नेविगेशन के लिए का भी यूज किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, आपको पता होगा जब भी कैनाल डिजाइन की जाती है उसके लिए हमको वाटर सोर्स जहां से कैनाल आएगी मेन कैनाल वहां का पानी का मात्रा होना बहुत जरूरी है, जिससे कैनाल के जिसे हम वर्ष भर पानी प्रोवाइड कर सकें। तो हम क्या करते हैं रिवर के बीचों बीच में डैम बनाते हैं। तो जब डैम बनाया जाता है तो डैम के अपस्ट्रीम साइड में आप देखे होंगे कि पानी का काफी बड़ा जलाशय बन जाता है झील, जिससे हमको वर्ष भर पानी प्राप्त होता रहता है। उस डैम के ऊपर एक स्पिल वे बनाया जाता है, ओवरफ्लो डैम जिसको कहते हैं, उधर ओवरफ्लो हाँ वियर जिसको कहते हैं, उससे ऊपर से पानी जो है अगर डैम में पानी एक जो हाईएस्ट रिजर्वायर लेवल होता है उससे ज्यादा जाता है तो वो पानी जो है डाउन स्ट्रीम साइड में स्पिल वे से चला जाता है। तो वो जहाँ पे बनाया जाता है डैम वहां पे हम देखें डाउन स्ट्रीम साइड में जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट लगा देते हैं, टर्बाइन जिसको आप कहते हैं, हाइड्रोलिक्स में पढ़ेंगे आप हाइड्रोलिक मशीन, तो वहां पे टर्बाइन लगाए जाते हैं। टर्बाइन पे जब पानी को गिराया जाता है उस पे उसके जो वेन्स होती हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करता है, जिससे जो है लोगों को इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज ये, तो ये आपके चार एडवांटेज हो गए और बहुत सारे एडवांटेज हैं, बस इतना ही आपके लिए जो जरूरी है। यील्ड ऑफ क्रॉप पर ग्रोथ हो जाती है अगर आपके पास अच्छे इरिगेशन सिस्टम है, मिक्स्ड क्रॉपिंग एलिमिनेट हो जाती है, अच्छी प्रोडक्टिविटी मिलती है, क्वालिटी भी अच्छी मिलती है, क्वालिटी कंट्रोल फसलों का और क्वांटिटी भी अच्छी प्राप्त होती है बढ़ जाती है, और नेविगेशन एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए, और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, ये आपके एडवांटेज हो गए चार। अब हम आप नोट कर लीजिए, नोट करना चाहे तो चलिए ठीक है। अब एडवांटेज हुआ तो कुछ ना कुछ तो भाई घाटा भी होगा, सब लाभ लोगे क्या, कुछ डिसएडवांटेज भी होगा, कुछ लोग होते हैं कि उनको लाभ ही जरूरत होती है, घाटा नहीं चाहते वो लोग, तो देखते हैं डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज ऑफ इरिगेशन, एक तरह से हम इरिगेशन बोल रहे हैं तो एक इरिगेशन ऑफ सिस्टम ऑफ इरिगेशन ही समझिए आप, क्योंकि अभी आपको पता चलेगा सिस्टम ऑफ इरिगेशन में आपका क्या नाम आता है, तो ये चीज को किस सिस्टम से आपको इरिगेशन प्रोवाइड करना है। तो डिसएडवांटेज पहला जो सबसे बड़ा इसका डिसएडवांटेज है वो है वाटर लॉगिंग, जल ग्रसन जिसको बोलते हैं हिंदी में। आपको पता होगा जो कैनाल होती है वो ऐसे जगह से गुजारी जाती है जहां से हमारा जो सीसी है कल्चरेबल कमांडेड एरिया जो सबसे ज्यादा जो है उसको कवर कर पाए, लेकिन आप देखते हैं जब कैनाल डिजाइन की जाती है तो जो उर्वरक भूमि होती है मतलब उत्पादक भूमि लैंड जिसमें से फसलों ज्यादा उत्पादित होती है वहां से थोड़ा सा दूर रखा जाता है। क्यों? क्योंकि अगर कैनाल आपकी जा रही है तो या तो वो फुली कटिंग में होगी या फुली फिलिंग में होगी या पार्शियली कटिंग पार्शियली फिलिंग में होगी। अगर आपकी जो है फुली कटिंग में है कैनाल
तो सीपेज कम होता है उससे। अगर फुली फिलिंग में है तो देखेंगे उसमें वाइट्स ज्यादा, कितना भी आप कंपैक्ट करेंगे लेकिन जो नेचुरल कंपैक्शन होता है उतना आप नहीं कर पाएंगे, तो उसमें वाइट्स रह जाते हैं। तो पानी जो होता है कैनाल का वो रिश्ते हुए कैनाल के बाउंड्री से रिश्ते हुए खेतों में जाता है। तो खेतों में जाता है तो क्या होता है, वहां पे जो वाटर लेवल होता है वहां उस एरिया का जहां पे आप कृषि कर रहे हैं वहां पे वाटर लेवल जो है ग्रोथ ऊपर जो है बढ़ता चला जाता है। एक समय ऐसा आता है कि वो रूट जोन डेप्थ, जो फर्स्ट क्रॉप की रूट जोन डेप्थ होती है, उसके भी ऊपर आ जाता है। जब वाटर लेवल रूट जोन डेप्थ में आता है तो पौधों की जड़ें जो होती हैं, जो उनका रूट होता है, वो हमेशा पानी के संपर्क में रहता है। पानी तो चाहिए फसल को, लेकिन जब उसको आवश्यकता हो तभी आप हमेशा उसको पानी में डुबे रहेंगे पर पौधा मुरझाने लगेगा। यही चीज होता है, जब वाटर लॉगिंग हो जाती है तो पौधे जो है मुरझाने लगते हैं, तो आपकी फसल खराब हो जाती है। इसलिए डिसएडवांटेज, बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है ये वाटर लॉगिंग, क्योंकि इरिगेशन को जब आप डिजाइन करें, या तो आप कल्चरेबल कमांडेड एरिया से जब उसको निकालें उसको लाइन कर दें, कैनाल को लाइन कर दें, अनलाइन मत छोड़ें, या तो फिर आप उसको थोड़ा दूर करें, ऐसी जगह से ले जाएं जो भूमि उपयोगी ना हो आपके लिए, ठीक है। पहला डिसएडवांटेज हो गया। दूसरा हो गया डैम्प क्लाइमेट। डैम्प क्लाइमेट क्या होता है, पानी ले जा रहे हैं आप कैनाल से, कैनाल से पानी का वाष्पोत्सर्जन होगा, वाष्पोत्सर्जन होगा तो जो आपका क्लाइमेट है, एनवायरमेंट है, उसमें नमी आएगी, इसी को डैम्पनेस कहते हैं। तो जब डैम्प होगा तो उससे बहुत सारी बीमारियां भी फैलती हैं, क्लाइमेट भी थोड़ा सा टेम्परेचर लो होता है, ये चीज है। तो ये डिसएडवांटेज हो गए आपके, वाटर लॉगिंग, डैम्प क्लाइमेट और भी बहुत सारे हैं, इतना आपके लिए पर्याप्त है। अब हम बात करते हैं इरिगेशन का, तो ये तो सिस्टम ऑफ इरिगेशन पढ़ा रहे हैं, तो इसमें हम टाइप ऑफ इरिगेशन की बात करते हैं, कितने प्रकार से हम इरिगेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ इरिगेशन, ठीक है, ये मेनली दो प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ इरिगेशन मेनली दो प्रकार का होता है टाइप ऑफ इरिगेशन। एक होता है आपका सरफेस इरिगेशन, दूसरा होता है आपका सब सरफेस इरिगेशन। एक होता है सरफेस इरिगेशन, दूसरा होता है सब सरफेस इरिगेशन। अब हम बात करते हैं आपके सरफेस इरिगेशन के भी दो पार्ट होते हैं, सरफेस इरिगेशन के दो पार्ट होते हैं, सब सरफेस इरिगेशन के भी आपके दो पार्ट होते हैं। सरफेस इरिगेशन के जो दो पार्ट होते हैं वो होता है फ्लो इरिगेशन, दूसरा होता है लिफ्ट इरिगेशन। इसमें क्या होता है, एक होता है आर्टिफिशियल सब सरफेस, दूसरा होता है नेचुरल सब सरफेस इरिगेशन। जो आपका फ्लो इरिगेशन होता है इसके भी दो पार्ट होते हैं, एक पेरिनियल इरिगेशन होता है, दूसरा होता है फ्लड इरिगेशन। ठीक है, तो इतना आप नोट करिए, टाइप्स ऑफ इरिगेशन दो प्रकार के होते हैं, सरफेस इरिगेशन, सब सरफेस इरिगेशन। सरफेस इरिगेशन दो प्रकार का होता है, फ्लो इरिगेशन, लिफ्ट इरिगेशन। फ्लो इरिगेशन दो प्रकार का होता है, पेरिनियल इरिगेशन, फ्लड इरिगेशन। अब आप बात करते हैं सब सरफेस इरिगेशन की, तो ये भी दो प्रकार का होता है, आर्टिफिशियल, एक होता है नेचुरल, आर्टिफिशियल सब सरफेस, नेचुरल सब सरफेस। आप देखिए सरफेस इरिगेशन में, देखिए हम आपको अभी नोट्स नहीं बनवा रहे हैं या कुछ नहीं, आपको बूस्टअप कर रहे हैं जो है, तो ज़्यादा दिन नहीं है, अक्टूबर अगस्त है, सितंबर अक्टूबर, दो तीन महीने हैं आपके पास, तो आपको उन चीज़ों को कराने का प्रयास कर रहे हैं जिससे आपका प्री में अच्छा परफॉर्मेंस हो सके। मेंस की चिंता मत करिए, मेंस में आएंगे तो आपको अच्छा लगेगा, बुरा नहीं लगेगा। तो बात करते हैं टाइप्स ऑफ इरिगेशन की, तो एक सरफेस इरिगेशन होता है, एक सब सरफेस इरिगेशन। सरफेस इरिगेशन दो प्रकार का होता है,
फ्लो इरिगेशन, लिफ्ट इरिगेशन। सरफेस इरिगेशन क्या है? सरफेस इरिगेशन का मतलब जो सिंचाई के लिए पानी सीधा सरफेस पर छोड़ देना, नॉर्मल सी बात है, सरफेस इरिगेशन कहलाता है। ये दो प्रकार के होते हैं, एक फ्लो इरिगेशन होता है, एक लिफ्ट इरिगेशन। फ्लो इरिगेशन क्या होता है? आप पानी जब उसमें जो है, जो आपका रन ऑफ वाटर होता है, नदी का पानी, कैनाल का पानी, आप सरफेस के ही वाटर को आप फील्ड में फ्लो करा दें तो ये चीज होगा फ्लो इरिगेशन। हो लिफ्ट इरिगेशन में क्या होता है, आप सब सरफेस इरिगेशन को, सब सरफेस वाटर को पंप के द्वारा जो है लिफ्ट करा के उसके बाद खेतों में छोड़ें, तो ये लिफ्ट इरिगेशन कहलाता है। गांव में देखे होंगे आप ट्यूबवेल, ट्यूबवेल लिफ्ट इरिगेशन के अंतर्गत आता है, क्योंकि वो सब सरफेस वाटर को ऊपर खींच के तब सिंचाई के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो वो सब लिफ्ट इरिगेशन के अंतर्गत आता है। अब फ्लो इरिगेशन की बात करते हैं तो दो प्रकार के होते हैं, एक पेरिनियल इरिगेशन, एक फ्लड इरिगेशन। पेरिनियल इरिगेशन क्या है? आपको पता होगा कि जो कैनाल डिजाइन की जाती है, ज्यादातर यही सोच होती है कि वो वर्ष भर के लिए हो, लेकिन कुछ कैनाल ऐसी होती है जो वर्ष भर काम नहीं करती, केवल फ्लड, बाढ़ आती है जब, तभी जब नदियों में पानी ज्यादा होता है तब वो काम करती है। तो एक होता है पेरिनियल का मतलब ऐसा इरिगेशन सिस्टम जो वर्ष भर आपके लिए पानी प्रोवाइड करा सके, तो वो पेरिनियल के अंतर्गत आएगा। फ्लड का क्या मतलब होता है? फ्लड का मतलब बाढ़ के समय में आपको सिंचाई पर्याप्त हो, तो ऐसा इरिगेशन सिस्टम जो आपको बाढ़ के समय में पानी प्राप्त देता है, तो वो आपका होता है फ्लड इरिगेशन। अब आप बात करते हैं हम सब सरफेस इरिगेशन की। सब सरफेस इरिगेशन में क्या होता है? एक आर्टिफिशियल सब सरफेस इरिगेशन। सब सरफेस का मतलब होता है पौधों के रूट जोन में आपको डायरेक्ट पानी प्रोवाइड करना है, फील्ड को ऊपर, पूरी फील्ड को नहीं आपको वेट करना है, बस पौधों के रूट जोन डेप्थ में आपको पानी पहुंचाना है। तो आप क्या करते हैं, ड्रिप इरिगेशन आपने शुरू सुना होगा, ट्रिकल इरिगेशन कहते हैं इसको, बेसिन इरिगेशन, तो यही सब होता है सब सरफेस में एक तरीके से। वो जो है वो तो एक टेक्निक ऑफ इरिगेशन हो गई, लेकिन आप ये सोच सकते हैं कि ये इसके अंतर्गत आ सकता है आर्टिफिशियल में। क्या होता है कि डायरेक्ट जो है पौधों के रूट जोन डेप्थ में पानी दिया जाता है, वेट, आपको पूरी फील्ड को वेट नहीं करना होता है, आर्टिफिशियली तरीके से देंगे तो आर्टिफिशियल सब सरफेस कहलाएगा। नेचुरली देंगे, नेचुरली का मतलब क्या हुआ कि जो पौधे केशिका कैपिलरी एक्शन के द्वारा जो है सब सरफेस वाटर को खींचती हैं, तो वो एक नेचुरल प्रोसेस हो गया। ठीक है, तो ये आपके टाइप्स ऑफ इरिगेशन हो गए, इसे आप नोट कर सकते हैं। अब हम बात कर सकते हैं आपसे टेक्निक ऑफ इरिगेशन की। टेक्निक ऑफ इरिगेशन भी कई प्रकार की होती हैं, देखते हैं क्या है टेक्निक ऑफ इरिगेशन। टेक्निक ऑफ इरिगेशन, टेक्निक ऑफ इरिगेशन में पहला जो आपका होता है वो होता है फ्री फ्लडिंग। ध्यान से पढ़िएगा, बहुत आता है इससे क्वेश्चन एसएससी में, अभी यूपीपीसीएल में इसी फ्री फ्लडिंग से आया था, डीएमआरसी जेई में आया था। फ्री फ्लडिंग क्या होता है? फ्री फ्लडिंग को आप जो है वाइल्ड फ्लडिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वाइल्ड फ्लडिंग। सबसे बड़ी बात, इसका दूसरा नाम है वाइल्ड फ्लडिंग। एक एक पॉइंट इसमें ध्यान दीजिएगा, वाइल्ड फ्लडिंग इसका यूज किस क्रॉप के लिए करेंगे? जो फ्री फ्लडिंग होता है, फ्री फ्लडिंग का मेन मतलब है आप फ्रीली जो है चारों तरफ मेड़ बंदी कर दीजिए खेत की, जानते हैं मेड़ तो आप समझते होंगे, गांव में पूरे खेत पड़ा रहेगा, लड़ाई मेड़ के लिए ही होती है। तो हम बात करते हैं फ्री फ्लडिंग की। फ्री फ्लडिंग में क्या होता है, इसे कहते हैं वाइल्ड फ्लडिंग। ये किस प्रकार की क्रॉप के लिए जो है यूजफुल है? आप जानते होंगे क्लोज ग्रोइंग क्रॉप, जो लोग जो क्रॉप्स होती हैं बहुत पास पास उगती हैं, उनके लिए। पहला पॉइंट लिखिए इसमें, क्लोज ग्रोइंग क्रॉप के लिए। क्लोज ग्रोइंग क्रॉप के लिए आपका ये जो है फ्री फ्लडिंग उपयुक्त है। दूसरा आपका क्या है? दूसरा आपका जानते होंगे चारागाह, समझते हैं आप, इसको पास्चर्स बोलते हैं। वहां आपको फ्री फ्लडिंग देना होता है। अब बात करते हैं फ्री फ्लडिंग किस प्रकार की लैंड के लिए उपयुक्त है। आपने रोलिंग, आपने टेरेन पढ़ा होगा हाईवे इंजीनियरिंग में, नहीं पढ़ा होगा तो हम लोग पढ़ाएंगे आपको। टेरेन क्या होता है कि जो सतह होती है उसमें चार प्रकार की ट्रेन होती है, आपको मैं बता देता हूं। ट्रेन आपको गाड़ी मत समझिएगा, सतह की बात हो रही है। टेरेन एक होता है प्लेन, एक होता है रोलिंग, एक होता है माउंटेनियस, एक होता है स्टीप।
तीसरा जो आपका है ये एक्चुअली में ये जो होता है फ्री फ्लडिंग, ये आपका रोलिंग लैंड के लिए उपयुक्त होता है। ये क्वेश्चन आपका यूपीपीसीएल जेई में पूछा गया था इस बार, जो हुआ है अभी 2020 में पेपर जनवरी में शायद हुआ था क्या, रोलिंग लैंड के लिए जो है उपयुक्त होता है। अब बात करते हैं रोलिंग लैंड है क्या, प्लेन ट्रेन। प्लेन क्या होता है, जब स्लोप जो होगा आपके जो फील्ड है उसका स्लोप 0 से 10% के बीच में होगा तो उसे आप प्लेन ट्रेन कहेंगे। अगर आपका रोलिंग है उसका मतलब 10 से 25%, अगर आपका स्लोप 10 से 25% है ग्राउंड का तो उसे आप रोलिंग ट्रेन कहेंगे। माउंटेनियस कब कहेंगे, जब 25 से 60% तक है स्लोप, जो आपका फील्ड है उसका स्लोप जो है 25 से 60% के बीच में है तो आप उसे क्या कहेंगे, माउंटेनियस टेरेन कहेंगे, और अगर 60% से ज्यादा है तो उसे स्टीप कहेंगे। तो ये चीज है, ये आपका एडिशनल है, ये हाईवे का पार्ट है, फिर भी आप देख लीजिए। ये रोलिंग ट्रेन के रोलिंग लैंड के लिए जो है फ्री फ्लडिंग आपका उपयुक्त है। इसका मतलब रोलिंग लैंड मतलब 10 से 25% तक अगर स्लोप है तो वहां पर ये अच्छा जो है बेनिफिशियल होगा ये इरिगेशन सिस्टम टेक्निक। ठीक, अब बात करते हैं ये खेतों में इसको कैसे दिया जाता है। तो इसमें क्या होता है, एक मेन डिच बनाई जाती है खेत के किनारे, एक जो लंबी साइड होगी उसमें एक मेन डिच बनाई जाएगी, खाई जिसको आप बोलते हैं। ठीक, ये आपकी मेन डिच हो गई। ठीक, ये आपकी मेन डिच है, इसमें आप कैनाल से जो भी आपका वाटर कोर्स होता है उससे आप पानी इसमें प्रोवाइड करेंगे। इस मेन डिचेस से एक छोटी छोटी डिचेस निकाली जाएंगी खाई, ये आपकी सब्सिडियरी डिच हो गई जो इसके मेन डिच से निकाली गई है। इन डिचेस के बीच का जो दूरी होगी वो 20 से 50 मीटर। ठीक, ये चीज आप नोट कर लीजिएगा, ये याद रखिएगा। तो फ्री फ्लडिंग में बस इतना, इससे ज्यादा आपको पूछेगा नहीं। फ्री फ्लडिंग को वाइल्ड फ्लडिंग भी कहते हैं, ये क्लोज ग्रोइंग क्रॉप के लिए ज्यादा उपयुक्त है, ये आपका पास्चर्स चारागाह के लिए ज्यादा उपयुक्त है, ये आपका रोलिंग लैंड के लिए ज्यादा उपयुक्त है। रोलिंग लैंड मतलब जब स्लोप 10 से 25% के बीच में हो। और ये मेन कैनाल, मेन कैनाल का मतलब मेन डिच है खेत में जो है उससे निकाली गई सब्सिडियरी डिचेस होती है, उनके बीच की दूरी जो है 20 से 50 मीटर होनी चाहिए। इतना आप अगर याद रखते हैं फ्री फ्लडिंग के बारे में तो इससे ज्यादा आपसे पूछा नहीं जाएगा। चलिए ठीक है, अब दूसरी टेक्निक पे आते हैं, नोट कर लीजिएगा इसको अगर माना है तो। वैसे आप इंजीनियर हैं, बिना नोट के ही आपको आ जाता है, लेकिन इस भूल में मत रहिए, भूल भी जाता है। चलिए ठीक है, आज की क्लास को यहीं पर रोकते हैं। आपको कैसा लगा क्लास कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हमारी पहली क्लास थी, उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। आप हमारे साथ जुड़िए, हमारी कमियों को बताइए और बहुत मजा आने वाला है अभी आपको प्री की। हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको जितने क्वेश्चन मिले इस बोर्ड से गुजरे हुए मिलने चाहिए, कोशिश करेंगे। और कैसा लगा लेक्चर बताइएगा, ये केवल प्री ओरिएंटेड क्लास है, आप चिंता मत करिए। आप जब मेंस की क्लास होगी तो प्री से ज़्यादा खुश होंगे आप, ये हमारी जिम्मेदारी है, चिंता मत करिए आप। बस हाँ, अच्छे से मन लगा के पढ़िए और हमको हमारी कमियों को जरूर बताइए कि हम क्या सुधार करें, आपके लिए क्या अच्छा बेहतर कर सकते हैं, वो हमको बताइए, हम जरूर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है भैया, धन्यवाद।